नमस्कार साथियों, मैं डीपी यादव, मधुबनी जिला अध्यक्ष, शिक्षक बहाली मोर्चा। आज 2 मई 2019 को जो शिक्षक बहाली मोर्चा के द्वारा एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसका नंबर है CWCJ 9555 मेन 9555/2019। साथियों, आज कोर्ट में हमारे विद्वान अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने जस्टिस ज्योति शर्मा और अंजनी कुमार शर्मा के सामने बताया कि बिहार के सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष तकों के बच्चों की पढ़ाई बाधित है। बच्चों को शिक्षकों के अभाव में गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकार राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 की धजियां उड़ा रही है। साथियों, कोर्ट के द्वारा आज बिहार सरकार को लतार लगाया गया और उनसे पूरे बिहार के सरकारी स्कूल का ब्यौरा मांगा गया है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार पर ये कितना बड़ा दबाव पड़ा है और सरकार आपकी बहाली के लिए प्रयास जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा आपके फेवर में ही जजमेंट आएगा और आप लोगों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक 2012 के अवमानना का केस दायर हो रही है, उसमें भी शीघ्र ही सुनवाई होगी और बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगेगी। अब वो समय दूर नहीं जब आपका अधिकार आपको मिलेगा और बिहार में बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा मिलेगी, आपकी संपूर्ण बहाली होगी, क्योंकि बिहार में अभी भी 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त है और सरकार आरटीई एक्ट 2009 को पालन सरकार को करना ही होगा। मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग हमेशा संगठन के साथ हैं, संगठन को साथ दे रहे हैं, उसी तरह आगे भी संगठन को साथ देते रहेंगे और हमारे जो युवा साथी है जो हमेशा बहाली के लिए प्रयासरत है, उनके द्वारा आपकी संपूर्ण बहाली के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और 2019 में आपकी संपूर्ण बहाली होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपका साथी मधुबनी से, धन्यवाद।